रोहित, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। तो मैं आ चुका हूँ मोहनचक गांव में। आज हमारे साथ भिन्न भिन्न पार्टियों ने जो है राजनीति का अपना चुनावी दौरा चालू कर दिया है। जैसे आज देखते हैं आप, मतलब भिन्न भिन्न पार्टियों जो द्वारा देख रहे हैं आप कि जो है सरकार मतलब अपनी पार्टी अपनी चुनावी प्रचार कर रही है, अलग अलग विधानसभा में चुनाव प्रचार हो रहे हैं, सभी जगह का जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चर्चाओं में आ रही है। तो ऐसे ही खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ श्याम बाबू उर्फ गोप जी हैं, जो भारतीय बेरोजगार पार्टी से विक्रम विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। और एक तरफ हमारे बैठे हुए हैं जो विक्रम विधानसभा के भारतीय बेरोजगार पार्टी से विक्रम विधानसभा अध्यक्ष आशुतोष जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत स्वागत है। तो सर, आप विक्रम विधानसभा का जो चुनाव अगर मतलब जीतने के बाद या मुख्य एजेंडा क्या रहेगा विक्रम विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या विकास समस्या? अच्छा, किसानों और मजदूरों की समस्या जो है समाधान करेंगे। तो आइए मैं इनसे भी बात करता हूं कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर कितना एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि हमारी भारतीय बेरोजगार पार्टी जो है पहले से बेरोजगार है, और बेरोजगारों को लेकर हमारी पार्टी बेरोजगार पार्टी बनी है। और ऐसा नहीं कि कोई जाति का बेरोजगार ना हो, यहाँ सभी जाति में बेरोजगार हैं, उसको देखते हुए हम लोग बेरोजगार पार्टी बनाए हैं। और हर एक बेरोजगार के लिए रोजगार, स्वर्ण को भी नौकरी मिलेगा उसमें, सभी 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 क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि मतलब यादव में या राजपूत में या सभी जातियों में बेरोजगारी है यहाँ। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे इस सरकार का जो है, ये सरकार है कि जैसे आरक्षण पे नौकरी मिल रहा है, तो आपके सरकार में भी ऐसा ही होगा या आरक्षण मुक्त होगा? देखिए, आरक्षण की बात जहाँ रह गई, सरकार आने के बाद हम लोग सारा अथी करेंगे और जितना भी बेरोजगार है सभी जातियों में उनको रोजगार दिया जाएगा, और शिक्षा के लिए रोजगार दिया जाएगा। और शिक्षा के लिए हम लोग हर एक विधानसभा में 20 स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र विधानसभा क्षेत्र। मैं श्याम बाबू उर्फ गोप जी, विक्रम का बेटा, आप सभी बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद का कामना करता हूँ। आज विक्रम विधानसभा को जो भी धरोहर है, मैं उसे पुनः सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था और विकास का वादा करता हूँ। तो इनसे ही बात करते हैं कि इनका क्या कहना है विक्रम विधानसभा को लेकर। सर, अगर आपकी पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो आपकी पार्टी का जो भी मतलब देने का वादा कर रहे हैं बिहार में युवाओं को, किसान को, क्या वादा है सर? सर, मेरी अगर बिहार में, पूरे बिहार में अगर सरकार बनती है तो हम लोग रोजगार, शिक्षा और किसान पे काम करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा आजकल बेरोजगारी की है, किसान जगह जगह पे आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का समस्या खत्म नहीं हो रही है, शिक्षा एकदम भ्रष्ट हो गई है, शिक्षा का कोई भी, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं वो सभी धर्मों के लोगों में हम लोग बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए मेरा ये पार्टी बना है, और उस पार्टी को मैं ख़त्म करके ही मैं आपके बीच तक रहूँगा। मतलब आपकी जो पार्टी है पूरे जमात की बात करती है? पूरे जमात की बात करती है, ये जाति का पार्ट, किसी जाति और पार्टी का राजनीति नहीं करती है, पूरे जमात की राजनीति करती है। ये इस पार्टी में यही दम है और यही खम है। इस मतलब बेरोजगार पार्टी को आज आगे की ओर हम लोग ले जा करके ही दम लेंगे तो हम लोग के तभी तमन्ना पूरा होगा। जब तक ले विकास नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं होगा, जब तक ले हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। आपने लड़ाई छेड़ दिया है, बस अब हमने जंग छेड़ दिया है पूरे राष्ट्रीय लेवल पर। आज विक्रम को हम एक ऐसा विकास करेंगे कि एक अलग पहचान देंगे, ताकि जनता में जागरूक हो जाए और समझे कि एक बेटा हमको विक्रम का आ गया, श्याम बाबू उर्फ गोप जी आज विकास के लिए अपना जी। बिल्कुल। तो सर, आप बताइए कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो विकास की गतिविधि है अभी कितनी है? विक्रम विधानसभा क्षेत्र में विकास की गतिविधि बहुत धीमी चल रही है, मैं उसे तेजी से विकास कर विक्रम विधानसभा क्षेत्रों को एक अलग ही पहचान देने का वादा करता हूँ।
बेरोजगारी जैसे किसान भाई मजदूर और सभी से समस्याओं का निदान करने का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सरकार से मांग करूंगा कि पहले युवा बेरोजगारी किसान भाइयों और गरीब मजदूरों को आवाज़ उठाने का काम करूंगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर बिहार में बेरोजगारी और विक्रम विधानसभा का जो विकास का गतिविधि है वो काफ़ी धीरे चल रही है, तो ऐसे में इनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, अगर विक्रम विधानसभा से अगर ये MLA का चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले विधानसभा में ये आवाज़ उठाएंगे किसान बेरोजगारी और क्या बोले सर, किसान बेरोजगारी और किसानों की समस्या। स्कूल या कहीं भी जाओ तो बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर लोग गायब हैं, और हमारी सरकार अगर पूरे बिहार में बनती है तो 26,35,821 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा उनको, और उनके लिए सभी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। और हम लोग का पे स्केल एक बनाया गया है, हम लोग पार्टी से अगर जीतते हैं तो 21,000 रुपये प्रति माह वेतन होगी, जिसमें प्रति वर्ष 3% वृद्धि होगी और केंद्र सरकार द्वारा DA की बढ़ोतरी होगी। और किसानों के लिए हम लोग जैविक खेती का उत्पादन करेंगे, जैविक खेती करवाएंगे, और उसके लिए हम लोग 34,000 करोड़ का प्रावधान रखे हैं किसानों के लिए, और उनका जो भी जैविक उत्पादन होगी और स्वास्थ्य को देखते हुए भी सारा कुछ देखते हुए भी अपना नौकरी का इस्तीफा कर इस पार्टी में आए हैं और पब्लिक के जनता की सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभी बोलिए सर। मैं विक्रम की जनता ही हमारा भगवान है। अच्छा। उनका सेवा ही हमारा पूजा है, और विक्रम की जनता ही हमारा भगवान है और उनका सेवा ही हमारा पूजा है। धन्यवाद। तो आप क्या कुछ कहेंगे सर लास्ट? लास्ट हम यही कह रहे हैं कि जितने भी विक्रम विधानसभा का बेरोजगार लोग हैं वो हमारी पार्टी को मदद करें और बेरोजगार को लेकर आवाज़ उठाएं और हमारी बेरोजगार पार्टी में शामिल होकर एक नया संगठन का निर्माण करें, जिसमें जो विधानसभा का उम्मीदवार है उनको जिताए, और उम्मीदवार जीतने के बाद हमारे जितने भी विधानसभा का लोग हैं उनको हम लोग निष्पक्ष सेवा कर सके। शिक्षा के मामले में हम लोग डिजिटल क्लासरूम होगा, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक क्लास चलेंगे। सिर्फ उस क्लास में सिर्फ एक नोटबुक लेकर आना है, और जो आज के क्लास में विद्यार्थी जो इतने मोटे मोटे किताबों लेकर आते हैं और उनके वजन से ज़्यादा बुक का वजन रहता है, तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सिर्फ डिजिटल क्लास रहेगी और एक नोटबुक लेकर आना है और क्लास करेंगे। तो सर आप बताइए कि जो विक्रम का मतलब, आप किस पार्टी से उम्मीदवार हो रहे हैं विक्रम विधानसभा का? मैं पार्टी का नाम है भारतीय बेरोजगार पार्टी, और ये किसी जाति का नहीं है, हर एक जाति में, सभी स्वर्ण जातियों में भी है, गरीब तबकों के जातियों में है, जैसे ब्राह्मण जाति, भूमिहार जाति, जादव जाति, लाला जाति, राजपूत जाति, जैसे हर एक जाति, मुसहर जाति, मतलब पूरे पूरे राम जी गोप जी, जो आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया, धन्यवाद आशुतोष जी। क्या क्या मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विक्रम विधानसभा क्षेत्र की जनता को, कि मैं अगर चुनाव जीतूँगा तो आप लोग का आशीर्वाद से जीतूँगा और आप लोग के बीच में रहने का काम करूँगा। मुझे फ्लैट भी मिलेगा तो मैं फ्लैट में नहीं रहूँगा, विक्रम की क्षेत्र में ही रहूँगा, और विधानसभा विधायक का जो भी फंड आता है वो आपके गांव में प्रत्येक गांव के ही जनता के द्वारा काम होगा। मैं अपने ठेकेदार के द्वारा काम नहीं करवाऊंगा, मैं अपने द्वारा काम नहीं करूंगा। विक्रम की गांव की जनता ही अपने गांव का रक्षा करेगा। और तब तो सर ये भ्रष्टाचार की मतलब आपने पूरा भ्रष्टाचार ही खत्म कर देंगे। जी जी बिल्कुल, हम ऐसा ही सोच करके आए हैं आप लोग के बीच में कि मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दूँ, ताकि भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बस। तो मुझे एकदम तमन्ना है, दिल में लगन है और जोश है, उमंग है, और मैं त्याग करके आया हूँ आप
खाने के लिए एक आपसे कोई लाभ स्वार्थ नहीं रखने के लिए मैं आपके बीच हूँ और रहूँगा और आपका सेवा करते रहूँगा। तो इनका कहना है कि बिना कोई स्वार्थ और निस्वार्थ भाव का मैं विक्रम विधानसभा का नेतृत्व पूरी ईमानदारी और कर्मनिष्ठा के साथ करूँगा। तो ऐसे ही में विक्रम विधानसभा की जनता के ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं? मैं जनता विक्रम की जनता पर पूरा 100% विश्वास करता हूं, इसलिए कि मैं विक्रम का बेटा हूं। आज विक्रम का ही नेतृत्व करने का मुझे तमन्ना है। आज हमें तमन्ना नहीं रहता तो मैं अपने नौकरी है, मुझे सचिवालय में नौकरी है, उस नौकरी के साथ आपके बीच में आया हूं कि हमको नौकरी रहे या न रहे उससे कोई गम नहीं है। मैं नौकरी पर इस्तीफा दूंगा और आपके विकास के लिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँगा। इनका जो सचिवालय में नौकरी था उस पर भी मतलब विचार बिना किए हुए कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी, इस पर भी विचार नहीं किए और नौकरी में रिजाइन कर जनता जनता के बीच आए हैं। बेरोजगारी को देखते हुए अपना नौकरी रिजाइन कर और जनता को जनता की समस्या के लिए और जनता का उद्धार करने के लिए प्यार दुलार और आशीर्वाद चाहिए। बस आपसे कोई मेरा लालच नहीं है, बस आपका प्यार दुलार और आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद विक्रम की जनता, धन्यवाद, जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी जो आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा श्याम जी उर्फ गोप जी जो विक्रम विधानसभा का प्रत्याशी हैं कि हमारे चैनल को इतना समय दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार रोहित कुमार के साथ।